जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक स्लैशर मूवी के बारे में जिसका नाम है लेक बोडोम। और दोस्तों यकीन मानिए, इस फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आने वाली है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने एक बहुत ही अच्छी हॉरर मूवी को एक्सप्लेन किया है जिसका नाम है सीक्रेट बंकर, और ये मूवी के एंड में एक बहुत ही तगड़ा ट्विस्ट है। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको पिंड कॉमेंट में मिल जाएगा। तो आइए बिना कोई वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें सन 1960 दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक सुनसान जंगल को देखते हैं जहाँ पे लोग ट्रिप मनाने आया करते थे। उस जंगल के अंदर लेक बॉडम नाम की एक जगह थी और वो जगह काफ़ी फेमस थी जहाँ पे लोग ट्रिप मनाने के लिए आते थे। वहीं पर हम एक टेंट लगा हुआ देख पाते हैं और दो लड़कियाँ लेक के अंदर नहा रही होती हैं। वहीं टेंट के सामने एक अजीब सा आदमी बैठा था जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रीपी लग रहा था, और उसके बाद एक छोटा सा चाकू था जिसे वो शार्प कर रहा था। वो उसे घिसे जा रहा था ताकि उसकी धार बहुत तेज हो सके। उसके बाद वो उठता है और लेक के अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो उन दोनों लड़कियों पर उसी चाकू से वार करके उन्हें जान से मार डालता है, और उनके खून से वो लेक का पानी लाल हो जाता है। इस घटना के बाद हमें कुछ सालों बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ मीडा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने परिवार के साथ डाइनिंग टेबल पे बैठी होती है, जहाँ उसका परिवार अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे थे। इनकी फैमिली की बातों से हमें पता चलता है कि उनकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थी, कि कुछ दिनों पहले ईडा एक पार्टी में गई थी जहाँ पर वो ड्रंक हो गई थी, जिसके बाद उसने अपने कपड़े उतार दिए थे और किसी ने उसकी अश्लील फ़ोटोज़ ले ली थी। उस बंदे ने ईडा की फ़ोटोज़ को वायरल भी कर दिया था, जिसकी वजह से ईडा को सब लोग पहचानने लगे थे, और उसकी फैमिली का मुंह काला हो चुका था, जिसकी वजह से वो ईडा को ही इसके लिए कोस रहे थे। ईडा का पिता उससे कहता है कि अब वो 6 महीने के लिए बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसे कोई छेड़े। उसके बाद हमें 6 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां हम दो लड़कों को देखते हैं जो कि कार में बैठे हुए थे, और इनका नाम होता है एलियास और एथी। दोस्तों एथी जो था वो एक इन्वेस्टिगेटर था, जिसे अनसॉल्व मिस्ट्रीज को सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था, और उसका सपना था कि वो हर एक अनसॉल्व मिस्ट्री को सॉल्व करे। इसीलिए वो अपने दोस्त एलियास को कन्विंस करता है कि वो उसके साथ लेक बोडोम चले, ताकि वहाँ पिछले हुए मर्डर्स के बारे में वो इन्वेस्टिगेशन कर सके और पता लगा सके कि आखिर वो मर्डर्स किसने किए थे। ये सुन के एलियास उसके साथ जाने के लिए राज़ी हो जाता है। इधर ईडा जब अपने घर में होती है तो उसकी दोस्त नोरा उससे मिलने के लिए आती है, और वो उससे कहती है कि अब 6 महीने से वो घर में ही बंद है, तो क्यों ना अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो उसके साथ लेक बोडोम चले, जहाँ पर एथी और एलियास भी आ रहे हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। ईडा ये सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि अब भी वो उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई थी, लेकिन फिर भी वो फैसला कर लेती है उनके साथ जाने का, और वो बैकपैक करके उन तीनों के साथ वहाँ पर जाने के लिए निकल जाती है। लेकिन वो ये बात अपना घर पे नहीं बताती, क्योंकि वो जानती थी और उसके पिता को ये बात पता चलेगी तो वो कभी भी उसे अलाउ नहीं करने वाले। इसीलिए वो उन्हें बिना बताए ही उनकी कार में बैठ के वहाँ पे जाने के लिए निकल जाती है। जब कार एक जगह पे रुकती है तो एथी उन लड़कियों की फ़ोटोज़ देखता है जिन्हें लेक पोडोम पे मारा गया था, और वो उन फ़ोटोज़ के जरिए कुछ सबूत ढूंढने की कोशिश करता है ताकि वो कातिल तक पहुँच सके। कुछ देर बाद जब वो जंगल में पहुँचते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन जब वो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जंगल के आगे चेन लगा हुआ है, यानी जो लेक बॉटम जाने का रास्ता था वहाँ पर चेन से रोक लगा दी गई थी ताकि कोई भी वहाँ पर ना जा सके। उन लोगों के इरादे पक्के थे कि उन्हें लेक बॉटम जाना ही है, इसीलिए वो चेन्स को तोड़ देते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। उन्हें चलते हुए रात हो जाती है और वो लेक बॉटम पहुँच जाते हैं, जहाँ रात को वो उसी जगह पर टेंट लगाते हैं जहाँ पर उन लड़कियों को मारा गया था। नोरा और एलियास तुरंत लेक में चले जाते हैं नहाने के लिए, और ईला और एथी कैंप फायर के पास ही बैठते हैं। ईला एथी से पूछती है कि आखिर उसका यहाँ पर आने का मकसद क्या है, तो वो उसे बताता है कि दरअसल वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया है। वो उसे उन मरी हुई लड़कियों की फ़ोटोज़ भी दिखाता है, और ईला वो देखकर हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि वो इस केस के बारे में जानती है। तभी वहाँ पर वो दोनों नहाकर वापस आ जाते हैं। एथी बोलता है कि उसे कातिल के बारे में ये तो पता चल गया है कि उसे नहीं पसंद कि उसके जंगल में कोई आए। उसे लगता है कि इस जंगल में वो रहता है और इसे अपना घर भी मानता है, और अगर इसमें कोई आता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, इसीलिए उन दोनों लड़कियों को उसने जान से मार डाला होगा, क्योंकि वो इस जंगल में आई और उस लेक में नहा रही थी। उसे लगता है कि ये खूनी अपने विक्टिम्स पे नज़र बनाए रखता था, और सही मौका आने पर वह उन्हें मौत के घाट उतार देता था। पुलिस द्वारा वो खूनी पकड़ा नहीं गया था तो हो सकता है कि अब भी वो जिंदा हो, और अगर वो जिंदा है तो वो उन्हें देख रहा होगा और उनकी जान भी खतरे में है। ये बातें सुन के नोरा और एलियास काफ़ी डर जाते हैं और वो सोने के लिए चले जाते हैं, और ईडा वहीं पे रुकती है और एथी से बातें करने लगती है। लेकिन कुछ देर बाद उन दोनों को नींद आ जाती है तो वो भी टेंट में चले जाते हैं सोने के लिए। तभी अचानक ईडा को जंगल के अंदर एक टॉर्च लाइट दिखती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो यहाँ पर अकेले बिल्कुल भी नहीं है।
यानी कोई वहाँ पर मौजूद था जो कि उन पर नज़र बनाए हुए था। ईडा इस बात को नज़रअंदाज कर देती है और वो अंदर जाकर सो जाती है। रात को ईडा को वॉशरूम आती है तो वो जंगल की ओर जाने लगती है, लेकिन एलियास उससे कहता है कि उसका अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए वो भी उसके साथ चलेगा। वो उसको कंपनी देने के लिए उसके साथ चला जाता है। और जब ईडा और एथरी टेंट में अकेले होते हैं तो अचानक से उनके टेंट के ऊपर कोई बड़ी सी टहनी फेंकता है, जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाते हैं और तुरंत टेंट से बाहर निकल जाते हैं। और एथरी को लगता है कि ये ज़रूर इलियास का काम होगा, क्योंकि प्रैंक करने के लिए ये कर रहा होगा। लेकिन तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर इलियास मौजूद ही नहीं है, जिसे देखकर वो डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ये किसका काम है। तभी वो टेंट में जाता है और ईडा को बताता है कि ये इलियास का काम है, जो कि नोरा के साथ मिलके उनके साथ प्रैंक कर रहा है। तभी अचानक कोई पीछे से आता है और एथी के पीठ में चाकू घुसा देता है, जिससे एथी की वहीं पर मौत हो जाती है और वो कातिल तुरंत वहाँ से भाग निकलता है। और उसकी आवाज़ सुन के नोरा और इलियास जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो एथी की हालत देख कर हैरान हो जाते हैं। उसे पूछने लगते हैं कि आखिर ये किसका काम है, तो वो उसे बताती है कि यहाँ पर कोई आया और उसे चाकू मार कर भाग गया। वो तीनों एक कुल्हाड़ी उठा लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि उन्हें अपनी प्रोटेक्शन करनी होगी, और वो तुरंत एक टॉर्च लेकर वहाँ से निकलने लगते हैं ताकि वो जंगल से बाहर निकल सकें और मदद के लिए किसी को बुला सकें। जब वो तीनों भाग रहे होते हैं तो अचानक नोरा नीचे गिर जाती है और उसके पैर में मोच आ जाती है, जिसकी वजह से अब वो और चल नहीं पा रही थी। इसीलिए वो इलियास और ईडा से कहती है कि अब उन दोनों को ही आगे जाना पड़ेगा मदद बुलाने के लिए, और वो यहाँ पर अपना ख्याल रख लेगी तो वो उसकी चिंता ना करें। ये सुन के वो उसकी बात मान लेते हैं और तुरंत वहाँ से जाने लगते हैं। रास्ते में इलियास ईडा को रोकता है और उससे कहता है कि उसने कुछ पता किया है। दरअसल उस पार्टी में जो उसकी फ़ोटोज़ खींची गई थी वो बिल्कुल भी असली नहीं है, यानी कि ये सिर्फ अफवाह थी और उसकी अश्लील फ़ोटोज़ किसी ने खींची ही नहीं थी। ये सुन के ईडा हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। इलियास उससे कहता है कि अगर उसे लगता है कि वो झूठ बोल रहा है तो आज तक किसी ने भी उसकी उन फ़ोटोज़ को देखा क्यों नहीं है, यानी ये पुलिस ने, उसने और उसके पेरेंट्स ने भी उन फ़ोटोज़ को देखा तक नहीं है। वो बस एक र्यूमर है और उसे बदनाम करने की कोशिश करी गई थी। ये सब बातें वो कर ही रहे थे कि इलियास के पीछे वो कातिल आ जाता है, जो कि चाकू को उसकी गर्दन में घुसाता है और उसे जान से मार डालता है। जब वो कातिल अपना हुडी हटाता है तो हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि वो नोरा है, जिसने ईडा के साथ मिलकर अपने दोनों मेल फ्रेंड्स को जान से मार डाला था, क्योंकि उन दोनों को ये शक था कि ईडा के जो अश्लील फ़ोटोज़ थे वो इन दोनों ने ही खींचे थे और वायरल किए थे। इसीलिए इन दोनों को सजा देने के लिए वो यहाँ पर लाई और एक एक करके उन दोनों को जान से मार डाला। अब ये दोनों इन लाश को ठिकाने लगाने के लिए जाती हैं, जहाँ पर उनकी लाशों को वो पैक कर देती हैं और उसके अंदर पत्थर भर के वो नदी के अंदर फेंक देती हैं, ताकि उनकी लाश नदी के अंदर ही रहे। ये दोनों घर पे किसी को भी बताकर नहीं आई थी कि ये बाहर जा रही हैं, इसीलिए अब इन दोनों को सुबह होने से पहले घर पर पहुंचना था ताकि सब कुछ नॉर्मल लगे और उनके पेरेंट्स को लगे कि ये लोग कहीं पे गए ही नहीं थे। अब लाश को ठिकाने लगाने के बाद वो दोनों कार में बैठती हैं, लेकिन उन्हें कार की चाबी कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। तभी उन्हें याद आता है कि कार की चाबी इलियास के पैंट की जेब में थी, जिसका मतलब ये है कि अब वो चाबी उन्हें नहीं मिल सकती। ईडा हिम्मत करती है और डिसाइड करती है कि वो नीचे जाएगी और उसकी लाश की जेब से वो चाबी निकाल कर लाएगी। वो तुरंत अपने कपड़े उतारती है और पानी में कूद जाती है और उसकी लाश के जेब से वो चाबी को निकाल के बाहर भी ले आती है। उसके बाद वो कार में बैठती है और कार स्टार्ट करती है और वो दोनों वहाँ से भागने लगती हैं। रास्ते में ईडा ये सोचने लगती है कि इलियास ने उसे कुछ बोलने की कोशिश करी थी, और क्या पता जो वो बातें कर रहा हो वो सच हो, उसी को असली फ़ोटो खींची ही ना गई हो और वो बस एक र्यूमर हो। वो सोचती है कि सिर्फ नोरा का ये कहना है कि उसने ये फ़ोटोज़ देखी है, लेकिन बाकी किसी के मुँह से उसने नहीं सुना है कि उन्होंने ये फ़ोटोज़ देखी हैं। ईडा नोरा से पूछती है कि इलियास ने जो बातें कही क्या वो सच थी, तो नोरा उसे बताती है कि कॉलेज में इलियास और वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आने लगे थे, और अगर वो दोनों नज़दीक आते तो उसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता, इसीलिए उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। इसीलिए उसने एक रात पार्टी में एक बहुत ही गंदी ट्रिक खेली ताकि वो उन दोनों को अलग कर सके। उसने ईडा को बहुत सारी शराब पिलाई जिसकी वजह से वो टल्ली हो गई, और उसके बाद वो उसे एक कमरे में ले गई और वहाँ पर सुला दिया, और पूरी पार्टी में उसने अफवाह फैला दी कि ईडा की अश्लील फ़ोटोज़ लीक करी गई हैं, और ये सुनकर सभी उसका मजाक उड़ाने लगे थे। हालांकि किसी ने उसकी अश्लील फ़ोटोज़ देखी नहीं थी, लेकिन वो सिर्फ एक र्यूमर था जो कि बहुत तेज़ी से फैला था। ईडा उससे कहती है कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों, तो वो उससे कहती है कि वो नहीं चाहती थी कि वो अपनी दोस्त को शेयर करे और उनकी दोस्ती सलामत रहे, इसीलिए उसने ऐसा किया, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनके बीच कोई लड़का आए। ईडा को सुनके काफ़ी बुरा लगता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड नोरा ने ही ये सब किया है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी पूरी आज़ादी ख़त्म हो गई थी और वो 6 महीने तक क्वारंटीन रही थी और बाहर नहीं जा पाई थी। ईडा ये भी सोचती है कि उन लोगों ने बहुत ही गलत काम किया, अगर उन दोनों लड़कों की गलती ही नहीं थी तो उनको जान से क्यों मारा गया।
सिर्फ एक अफवाह के चलते उन लोगों ने उन मासूम लड़कों को मार दिया। और तो और इस अफवाह की वजह से उसके पिता की बहुत ज़्यादा बदनामी हुई थी, जिसकी वजह से उसके पिता ने खुदकुशी करने की कोशिश भी करी थी, और उसकी फैमिली में हमेशा डिप्रेशन का माहौल ही रहता था। हिदय देखती है कि नोरा के चेहरे पर कोई भी टेंशन नहीं है, यानी कि उसे कोई भी गम नहीं है कि उसने बहुत ही घिनौना काम किया है। तभी उनकी गाड़ी के सामने एक आदमी आ जाता है, और हम देख पाते हैं कि वो आदमी वही खूनी है जिसके बारे में एथी रिसर्च करने के लिए आया था। उस आदमी को जब नोरा देखती है तो उसकी कार डिसबैलेंस हो जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और फिर वो कातिल उनकी कार को अपने ट्रक से जोड़ता है और उन्हें अपने साथ ले जाने लगता है। नोरा हिदय से कहती है कि इस आदमी को हमें जान से मारना होगा, और वो उसे वो चाकू थमाए ताकि वो उसे जान से मार सके। नोरा उससे कहती है कि वही चाकू जिससे उसने एथी को मारा। तो हिदय उससे कहती है कि उसने एथी को मारा ही नहीं था, उसे लगा कि उसने ही एथी को मारा होगा। ये सुन के वो दोनों समझ जाती हैं कि उन दोनों ने ही एथी को नहीं मारा, यानी कि एथी को किसी और ने नहीं बल्कि उस कातिल ने मारा था जो कि उन पे नज़र बनाए हुए था। अब वो कातिल इन्हें उस कैंप के पास ले जाता है और वहाँ पर वो इनके मुंह को भी चिपका देता है ताकि वो चिल्ला ना पाएं। उसके बाद वो अपने चाकू के ब्लेड को शार्प करने लगता है ताकि वो आसानी से उन दोनों को मौत के घाट उतार सके। उसके बाद वो हिदय के सामने नोरा के पास जाता है और उसे जान से मार डालता है, और वो हिदय को ज़िंदा छोड़ देता है और उसे नहीं मारता, क्योंकि उसका ये प्लान था कि जब पुलिस को यहाँ पर 3 लाशें मिलें तो उसका जिम्मेदार हिदय को ठहराया जाए। वो हिदय को बेहोश करके उसके घर के सामने छोड़ देता है, और जब खून से लथपथ हिदय को उसकी माँ देखती है तो वो तुरंत उसके पास आके उसे संभालती है। और जब पुलिस को खबर मिलती है तो पुलिस को लेक से 3 लाशें मिलती हैं और हिदय को उसका जिम्मेदार ठहराया जाता है, इसीलिए हिदय को जेल हो जाती है। उसके बाद हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ हम फिर से एक ग्रुप को देखते हैं जो कि लेक बॉडम आए हुए थे, और वहीं पे हम उस कातिल को भी देखते हैं जो कि उन पे नज़र बनाए हुए था, यानी कि अब वो इन्हें भी एक एक करके जान से मार डालेगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी लेक बॉडम की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वो कातिल चाहता था कि लेक बॉडम पे कोई भी ना आए, क्योंकि वो उसे अपना घर समझता था, और अगर कोई इंट्रूडर उसके घर में आता है तो उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं आता, जिसकी वजह से वो अपने चाकू से एक एक करके सबको मार डालता है। ये जो किलर है इसे मेंटली इल दिखाया गया है, लेकिन ये बहुत शातिर भी है जो कि जानता है कि उसे कैसे बचना है, इसीलिए पुलिस अब तक इसे नहीं पकड़ पाई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो ये सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशन के लिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।